अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन, होप यू आर फाइन। क्लास नाइन, आज हम नाइन फिज़िक्स में चैप्टर नंबर फाइव वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वेक्टर। दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच नीड द मेंशन ऑफ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट फॉर देयर स्पेसिफिकेशन एंड ओनली देन दे आर कम्प्लीटली अंडरस्टूड आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। क्या कहा जा रहा है बेटा यहाँ पर, कि ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको समझने के लिए आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन मेंशन हो कि किस डायरेक्शन में वो वेक्टर जा रहा है, और साथ ही साथ एज वेल एज मैग्नीट्यूड मेंशन हो। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, नंबर होता है, किसी भी चीज़ की लेंथ होती है। फिज़िक्स की लैंग्वेज में हम मैग्नीट्यूड को बोलते हैं, लेंथ को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अ नंबर असाइन टू अ वेक्टर इंडिकेटिंग इट्स लेंथ इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। यानी कि मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ की, किसी भी वेक्टर की लेंथ शो कर रहा होता है। ठीक है, एंड यूनिट फॉर देयर स्पेसिफिकेशन, यानी कि ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो जिनको समझने के लिए आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन मेंशन हो, प्रॉपर मैग्नीट्यूड हो यानी कि लेंथ हो, और साथ ही साथ उसकी यूनिट भी गिवन हो, ऐसी क्वांटिटी को आप बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ या फिर सिंपली वेक्टर। तो बेटा वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हो गई जिनके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन मेंशन होती है, प्रॉपर मैग्नीट्यूड होता है और प्रॉपर एक यूनिट गिवन होती है, जिससे हम इजीली उस वेक्टर को इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी को आप बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ या फिर वेक्टर। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, कि उनको डिस्प्लेसमेंट में एक प्रॉपर डायरेक्शन गिवन होती है, और फिर इसी तरीके से जितनी लंबाई में, जितने लेंथ में वो अपना फासला तय करता है वो भी गिवन होता है। और जैसे कि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है। रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है वेक्टर को, देखिएगा, वेक्टर इज़ डिनोटेड बाय अ लेटर विद एन एरो हेड अबव इट। जो वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे, जिन लेटर्स के दरमियान आप ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर आप एरो मेंशन करिए, एक एरो हेड मेंशन करेंगे, ताकि पता चले कि ये आपने वेक्टर डिफाइन किया है, एक वेक्टर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो वेक्टर को देख लीजिएगा, वेक्टर इज डिनोटेड बाय अ लेटर विद एन एरो अबव इट। ओके, अब देखिए आपके पास मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, वेक्टर ओ ए है। ठीक है, ओ पॉइंट जो है वो उसका इनिशियल पॉइंट है, जिसको आप टेल बोल रहे हैं, और इसी तरीके से जहाँ पर एरो हेड है यानी जिस तरह डायरेक्शन शो कर रहा है वो उसका क्या है, हेड है। यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है यानी कि जो लंबाई है, लेंथ है, वो क्या शो कर रही है, मैग्नीट्यूड शो कर रही है इस वेक्टर का। और जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर जा रहा है वो उसकी क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि किसी भी वेक्टर को समझने के लिए आपके पास मेन चीज़ मैग्नीट्यूड होता है उसका, और उसकी डायरेक्शन और एज वेल एज़ यूनिट। तो आप देखिए, ये एक टेल पॉइंट है, ज़ीरो ये ए है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है उसको मैंने मैग्नीट्यूड का नाम दिया हुआ है, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है मैंने वो डायरेक्शन ड्रॉ करके उसको किसका नाम दे दिया, डायरेक्शन का। क्या बोल रहे हैं, वन ओ एंड और द इनिशियल पॉइंट ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द टेल। क्या बोल रहे हैं, वो पॉइंट, वो इनिशियल पॉइंट जहाँ से कोई भी चीज़ मूव करना शुरू करती है उसको आप नाम देंगे टेल का, और इसी तरीके से जहाँ जाकर ये रुकेगी, जहाँ एरो हेड शो हो रहा होगा वो उसका क्या होगा, हेड पॉइंट होगा। तो हमने और ए को कैसे शो करना है, हमने ओ ए लिख दिया, उसके ऊपर लाजमी सी बात है एरो हेड शो करेंगे, ताकि पता चले कि वेक्टर इन दोनों के दरमियान है, वो है इज इक्वल्स टू वेक्टर। इसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड अगर हम वेक्टर ओ ए का बताना चाहें तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में ओ ए लिखकर ऊपर एरो हेड मेंशन कर देंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओके, तो यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें हमें एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी लंबाई बताई गई होती है अमाउंट के ज़रिए से, उसकी एक डायरेक्शन शो की गई होती है कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया है, और इसकी जो लंबाई है जो जिसके लिए आप कोई भी स्केल यूज़ करते हैं सेंटीमीटर का, मीटर का, वो उसकी क्या बन जाएगी, यूनिट बन जाएगी। तो हमने ये सिंपली वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन सीखी है। अगले टॉपिक में क्लास हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे कि वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरीके से ड्रॉ के, वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो ये लाइन आपको नज़र आ रही होगी ये इसकी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको आप एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, और इसी तरीके से अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड ये कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको आप वाई एक्सिस का नाम भी देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर होता क्या है। व्हेन टू और मोर वेक्टर्स आर कंबाइंड वी गेट अ सिंगल वेक्टर।
क्या बोल रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को जब आप कंबाइन करवाते हैं ऐसे वेक्टर को आप बोलते हैं सिंगल वेक्टर, और जो किस मेथड से ऐड हुआ होता है उसको आप बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। ऐसे तरीक़ेकार को आप बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दो वेक्टर्स लिए हैं, v1 जिसको मैंने OA का नाम दिया, v2 जिसका मैंने नाम दिया है OB का। अब हम अलॉन्ग x एक्सिस ड्रॉ करेंगे इसको, x एक्सिस का मतलब इस डायरेक्शन में। तो आप देखिएगा, मैंने सबसे पहले OA लिखा, एरो हेड डाल दिया इसका, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद सेकंड की जो टेल है मैं उसको पहले के हेड के साथ कंबाइन करवा दूंगा। तो आप ये देखिएगा कि इस तरीके से ये ड्रॉ हो गया। अब इसको और सिंपल फॉर्म में अगर हम डिफाइन करें तो क्या करेंगे, सिंपल एक ड्रॉ इन दोनों की लेंथ काउंट करके मेजर करके हम यहाँ लिख देंगे और हम बोलेंगे ये वेक्टर कौन कौन से वेक्टर इसमें ऐड हैं। तो टोटल वेक्टर सबसे पहले लिखा जाता है कि कितने वेक्टर्स हैं जिसको हम वी एरोहेड से शो करते हैं, और जितने वेक्टर्स आपने कंबाइन किए हैं v1 और v2 बराबर उसके कर दिया v1 प्लस v2। इनके ऊपर एरोहेड भी आपको नज़र आ रहे होंगे क्लास, ठीक है। तो हमने ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस कर, अब अलॉन्ग वाई एक्सिस आ जाइए बेटा, ये भी इसी तरीके से है कि अलॉन्ग वाई एक्सिस आपने क्या किया, सबसे पहले OA ड्रॉ किया, OA ड्रॉ कर दिया यहाँ से यहाँ तक, फिर बी की जो टेल थी वो फर्स्ट के हेड के साथ ऐड करवा दी, ये बी हो गया। अब और सिंपल देखें तो हमने ओ से बी तरफ शो करना है। अब इसमें टोटल वेक्टर कितने हैं, आपने टोटल वेक्टर को शो करना होता है वी एरो हेड से। इसी तरीके से v1 ये पहला वेक्टर है, v2 दूसरा वेक्टर है। इन दोनों को जब आप कंबाइन करवाएंगे तो आपको एक सिंगल वेक्टर मिल गया जिसको आपने नाम दिया एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और एडिशन ऑफ वेक्टर कितने हैं v1 एंड v2। तो क्लास आज के हमने टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें आप प्रॉपर मैग्नीट्यूड पता होता है, जिसमें आपको प्रॉपर डायरेक्शन पता होती है, प्रॉपर उसकी यूनिट पता होती है, कम्प्लीटली आप उस वेक्टर को इजीली समझ सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं। ऐसे वेक्टर को, ऐसी क्वांटिटी को आप बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ या फिर वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी आपको बता दिया गया है कि एरो हेड से जो ड्रॉ एरो जिन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ड्रॉ किया जाएगा उसको, उसके ऊपर आप एरो हेड मेंशन करेंगे, और इसी तरीके से जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा वो उसकी जो एरो हेड जिस डायरेक्शन में होगा वो उसकी डायरेक्शन होगी, और इनके दरमियान का जो फासला होगा लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड कहलाएगी। तो क्लास फिर इसी तरीके से हमने कंपोनेंट्स भी पढ़े कि वेक्टर कितने कंपोनेंट्स में ड्रॉ किए जाते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी ड्रॉ किए जाते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी ड्रॉ किए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा एडिशन ऑफ वेक्टर्स के, वेक्टर्स के ऐड करने का तरीका पढ़ा हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस। क्लास मैंने आज आपको सिंपल वेक्टर की डेफिनेशन समझाई, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन समझाई, वेक्टर के कंपोनेंट्स पढ़ाए, और साथ ही साथ वेक्टर्स को ऐड करने का सिंपल तरीका भी बताया अलॉन्ग वाई एक्सिस भी और अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे बाय हेड टू टेल रूल मेथड। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से इनको समझिए, वीडियो को देखिए ताकि आपको इजीली आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सकें, ताकि आपको लर्निंग में आसानी हो। और जब आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए हैं तो आप अपने नोट्स के थ्रू आउट इजीली इनको याद करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको जब आपका असाइनमेंट सबमिट करवाया जाए तो आप इजीली सबमिट करवा सकें, सॉल्व कर सकें अपनी प्रॉब्लम्स खुद से। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल मेथड पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।